नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। स्टैंडर्ड सेकेंड सब्जेक्ट एनवायरनमेंट। वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 15, डायरेक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमारे एक्सरसाइज थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आंसर द फॉलोइंग था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो हियर कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 1 एंड टुडे हियर स्टार्ट अवर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे सारी ब्लैंक्स है वो राइट करके रखी हुई है, अभी हमें सिर्फ उसके आंसर है उसमें फिलअप करने हैं। ओके स्टूडेंट, सो यू आर रेडी फॉर दिस? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड अपना पेज नंबर है वो 74 पेज नंबर निकालो। राइट स्टूडेंट, सो 74 पेज नंबर पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हम अभी यहाँ पे सारी ब्लैंक्स है वो राइट करेंगे। ओके, तो पहले हम ये ब्लैंक्स है वो फिल करते हैं। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। एंड फर्स्ट ब्लैंक है हमारी वो है द सन राइजेस इन द ब्लैंक्स एंड सेट इन द ब्लैंक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इगन सन से वो कौन सी साइड से राइज होता है और कौन सी साइड पे सेट होता है। राइज का मतलब है सन कहाँ से आता है और सन कहाँ कौन सी दिशा में चला जाता है, वो सन है कहाँ पे राइज होता है। तो सन राइज इन द ईस्ट। ओके, मैंने ये अच्छे से आपको क्लियर करा दिया है कि सन है वो ऑलवेज ईस्ट साइड से ही राइज होता है और सेट उसकी ऑपोजिट साइड यानी वेस्ट। ओके, तो वेस्ट साइड में वो सेट होता है। राइट, तो हमने फर्स्ट हमारी ब्लैंक से वो कंप्लीट कर ली। एंड देन नेक्स्ट, द एरो ऑन अ मैप ऑलवेज पॉइंट टू द ब्लैंक्स। ओके, तो मैंने मैप में आपको बताया था, जब मैं मैप को अपना वो इंडिया का मैप आपको बता रही थी तभी मैंने आपको बताया था ना कि ऑलवेज एक मैप जो पूरा मैप होता है उसमें एक एरो दिया जाता है और उसमें वन साइड है आपको बताया दी जाती है और उसके द्वारा हम बाकी की जो 3 डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इंडिया के मैप में मैंने ऐसे एरो बताया था आपको, देखो एरो करके, और उसके बाजू में मैंने क्या लिखा था, एंड। एंड यानी नॉर्थ। तो ऑलवेज पॉइंट टू मैप ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ के नॉर्थ होता है उसका पॉइंट है वो हमें बता दिया जाता है कि ये इस साइड नॉर्थ है और 3 साइड है, हम एक साइड से 3 साइड से वो अच्छे से फाइंड कर सकते हैं उसकी हेल्प से। ओके, तो ये दूसरी जो ब्लैंक है वो भी हमने कंप्लीट कर ली। एंड देन नेक्स्ट, द इंडियन ओशियन इज टू द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। तो 3 इंडिया के आसपास 3 बड़े ओशियन है। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ इंडियन ओशियन कहाँ है, पहले आपका ये मैप है ना टेक्स्ट बुक में, हाँ वो टेक्स्ट बुक में ये मैप है इंडिया का, उसकी साउथ साइड में यहाँ पे राइट किया हुआ है इंडियन ओशियन। ओके, इंडियन ओशियन यहाँ पे है और ये साइड कौन सी है, ये नॉर्थ है, तो ये साइड कौन सी होगी, ओके साउथ। हाँ, तो इंडियन ओशियन है वो यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से देख सकोगे कि साउथ साइड में इंडियन ओशियन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। तो द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया की साउथ साइड में इंडियन ओशियन है। ओके, एंड देन नेक्स्ट, द अरबियन सी इज टू द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। तो अरबियन सी कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखो, हाँ ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ, तो अभी 2 बजी, कौन सी, ये और ये, तो ये कौन सी साइड होगी, हाँ ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, तो ये वेस्ट है और यहाँ पे अरबियन सी है, तो अरबियन सी कौन सी साइड पे हुआ, हाँ
ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और अरबियन सी यहाँ पे है। तो ये अरबियन सी कौन सी साइड पे आया, इंडिया की वेस्ट में आया ना। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे वेस्ट। ओके, तो द अरबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। एंड देन नेक्स्ट, द ब्लैक बे ऑफ बंगाल इज टू द ब्लैक्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने बोले थे कि एक इंडियन ओशियन है, एक अरबियन सी है और एक बे ऑफ बंगाल है, वो यहाँ पे है। देखो यहाँ पे इंडिया का मैप है और यहाँ पे अभी मैंने बोला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो ये क्या हुआ, हाँ ये कौन सी साइड बची अभी, ईस्ट। वेरी नाइस, तो बे ऑफ बंगाल है कौन सी साइड पे आया, ईस्ट में। ओके स्टूडेंट, तो हमने जो हमारी फोर प्लेन्स थी वो अच्छे से कंप्लीट कर ली है, लेकिन हम वन मोर टाइम फिर से एक बार रीड करेंगे। ओके, यू ऑल्सो रीड विद मी, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, द एरो ऑन द मैप ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, एंड थर्ड, द इंडियन ओशियन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, एंड द अरबियन सी इज टू द west of India, and the Bay of Bengal is to the east of India. तो हमने फोर ब्लैंक से वो अच्छे से रीड भी की और राइट भी की। आई होप आपको ये टॉपिक है वो जो ब्लैंक्स है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड उसके नीचे देखो आप, आंसर द फॉलोइंग राइट किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे 74 पेज नंबर पे ही। तो आंसर द फॉलोइंग है, यहाँ पे लिखा है द नेम थ्री प्लेस लैंडमार्क लाइक टेम्पल, पार्क, मार्केट एक्सेट्रा विच यू पास ऑन योर वे टू स्कूल, मेंशन वेदर दे आर योर राइट और लेफ्ट फील ऑन योर वे टू स्कूल। अभी आपको ये क्वेश्चन है उसका आंसर अपने आप ही देना है, क्योंकि आप अगर आपके घर से स्कूल की साइड आ रहे हो, घर से आपके घर से स्कूल जब आते हो, तो आपको ये थ्री लैंडमार्क आपके घर के घर और स्कूल के बीच में आता है, वो कौन कौन सी साइड पे आता है वो राइट करना है। तो आपका हाउस कहाँ पे है, आप किस साइड पे रहते हो, वो तो मुझे नहीं मालूम होगा, वो तो आपको ही मालूम होगा। और आप घर से आपके हाउस से जब स्कूल आते हो, तो उसके बीच में ये तीन लैंडमार्क यानी कि टेम्पल आता है बीच में, पार्क या मार्केट एक्सेट्रा कुछ भी आता है, और वो कौन सी साइड में आता है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो वो आपको अपने आप ही करना है। एंड देन नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन डज योर हाउस फेस, वॉट इज टू द लेफ्ट और योर हाउस। अभी आपका हाउस है वो सन की किस साइड में है, हाँ तो उसका फेस किस तरह से, आपका जो हाउस है जैसे आपका मेन डोर होता है ना, वो किस साइड है, सन की कौन सी साइड पे है, मान लो कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है या नॉर्थ साइड पे है, हाँ वो तो आपको ही पता होगा। आप अपनी जो एल्डर्स है या अपने पेरेंट्स है उसे उसके साथ टॉकिंग करो, उसके साथ बात करो, उसे उसकी हेल्प लेके ये दोनों आंसर है वो आपको फिलअप करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको ये दोनों क्वेश्चन है वो अच्छे से राइट करने हैं, क्योंकि आपका हाउस कहाँ पे है, हाउस कहाँ पे है, बीच बीच में कौन सा टेम्पल आता है, कोई पार्क आता है या मार्केट आती है, और वो किस साइड पे है वो मुझे पता नहीं होगा, वो आपको ही पता होगा। और आप अपने एल्डर्स या अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प लेके ये आंसर है वो फिलअप कर सकते हो, राइट स्टूडेंट। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है,
सो हियर वी कंप्लीट अवर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिए 2 आंसर द फॉलोइंग, वो सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सो हियर राइट डाउन योर टेक्स्ट बुक, ओके। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये सारा राइट कर लेना। यू कैन डू वेरी नाइसली वर्क, सो हियर टू डू एट योर होमवर्क, ओके स्टूडेंट। सो आप अच्छे से ये राइट डाउन आपकी टेक्स्ट बुक में कर लेना। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining us.